नमस्ते इंडिया, स्वागत है आप लोगों का संगीत के हाउ टू थिंक के प्रोग्राम में। आज हम लोग देखेंगे आइसक्रीम बिजनेस मॉडल। ये एपिसोड 1 का रिवाइज्ड वर्जन है। सबसे पहले हम लोग मार्केट की नीड और रिक्वायरमेंट को समझेंगे। लोग गर्मियों में आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं और साथ ही सर्दियों में भी, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो पूरे साल चलेगा, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा सीजन नहीं जिसमें लोग आइसक्रीम खाना पसंद ना करें। जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई शादी का पार्टी या फिर कोई और अदर पार्टी, खाने के बाद आइसक्रीम होता ही है। यानी अगर आइसक्रीम ना हो या फिर ऐसा कोई और डेजर्ट ना हो तो वो पार्टी के खाने को पूरा नहीं करता, यानी पार्टी का खाना कोई डेजर्ट ही पूरा करता है। और इंडिया में सबसे अच्छा डेजर्ट आइसक्रीम होता है। जब भी कोई ट्रीट होता है या फिर कोई फैमिली बाहर घूमने जाती है तो आइसक्रीम ना खाए ऐसा बहुत कम होता है। इस चीज को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो आइसक्रीम सिर्फ एक डेजर्ट ही नहीं बल्कि वो दिलों को जोड़ता है। आइसक्रीम फैमिली और फ्रेंड्स को एक साथ कनेक्ट करता है। आइसक्रीम गले से उतरकर दिल को छूता है। अगर इस चीज का एग्जांपल देखें तो वो है मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स इसलिए भी इतना ज्यादा ग्रो कर पाया क्योंकि वो भी फैमिली और फ्रेंड्स को कनेक्ट करता है। हालांकि मैकडॉनल्ड्स के बर्गर इतने ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, पर आइसक्रीम हेल्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और ये मूड को अच्छा करता है। जरा सोचिए, इतनी अच्छी चीज है हमारे पास, फिर भी आइसक्रीम ठेले यानी कि ट्रॉली पे ज्यादा बिकता है अगर दुकान से कंपेयर करें तो। आज के एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि कोई भी आइसक्रीम इंडस्ट्री में एक बड़ा बिजनेस कैसे बना सकता है और वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे। इस वीडियो के एंड पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स और ट्रैप्स को डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग यहाँ से बिजनेस को इनिशियलाइज करते हैं। हम लोग इस बिजनेस को बहुत ही सिंपल और बिजनेस प्रोटोटाइप से स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को ये पहले ही पता चल जाए कि आप ये बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। इससे आपके लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको चाहिए एक आइसक्रीम ट्रॉली ताकि आप लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े। लगभग एक आइसक्रीम ट्रॉली जो कि छोटा सा होता है वो 25,000 का मिल जाता है और बड़ा वाला करीब 40,000 का। ये वन टाइम कॉस्ट होता है। एक्चुअली में ये एक सिक्योरिटी मनी होती है जो आपको कंपनी को पे करना होता है और वो आपको आइसक्रीम ट्रॉली दे देता है, यानी कि आपका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा जब आप उसको वापस करेंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो आइसक्रीम ट्रॉली ना लेकर के शॉप से ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको खुद इन्वेस्ट करके एक फ्रीजर लेना पड़ेगा जिसका प्राइस करीब 20,000 से स्टार्ट होगा और पर लीटर के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है। अब आपको इसमें जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो चाहिए आपके आइसक्रीम्स के लिए। अगर आप लोगों ने अपनी आइसक्रीम ट्रॉली को स्टार्ट किया तो आप देखेंगे कि आपके पूरे दिन में 1,000 से 2,000 रुपए का सेल होगा। गर्मियों के सीजन में ये सेल करीब 1,500 से 2,000 के बीच में होता है और सर्दियों के सीजन में 1,000 से 1,500 के बीच में। ये एक एवरेज इनकम है। इतना इनकम हर आइसक्रीम वेंडर कर लेता है। आपने आइसक्रीम ट्रॉली एक एरिया में सेट कर लिया और एक एरिया को आपने कवर कर लिया, लेकिन अभी तक ये बिजनेस नहीं बना। ये सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसको बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक्स को पहले समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग अपने प्रोडक्ट को समझेंगे। अभी तक जो भी आप बेच रहे हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है और आप उसे सेल कर रहे हैं। कई सारे ब्रांड अलग अलग टाइप और फ्लेवर के आइसक्रीम बना रहे हैं और आप सिर्फ उन्हें सेल करते हैं, यानी कि इसमें आप सेल्स के अलावा और कुछ भी नहीं करते। हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर अपने मार्केट को समझेंगे। मार्केट को आइडेंटिफाई करने का बड़ा सिंपल तरीका है। और लोगों को देखिए जो आपके जैसे हैं वो क्या कर रहे हैं, यानी कि बाकी आइसक्रीम ट्रॉली सब लोग एक ही काम कर रहे हैं। आप लोग एक जगह पे खड़े हैं और कस्टमर आता है और आप उनको आइसक्रीम सेल कर देते हैं। अगर आप एक जगह पे हैं और आपकी इनकम ज्यादा हो रही है तो जैसे कि हमारे देश इंडिया में बिजनेस की प्रथा चली आ रही है, कोई दूसरा और आइसक्रीम वाला आपके बगल में आ जाएगा और वो भी सेल करना शुरू कर देगा, तो ये एक टाइप का सैचुरेटेड मार्केट हो जाएगा और लोग आपके पास से तभी आते हैं जब उनको वो चीज चाहिए। इन सब चीजों से हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि सबसे पहले हम लोगों को अपने सेल्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर नोट करिएगा कि बिजनेस को जितना हो उतना सिंपल रखिए और हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलिए। जैसे कि हम लोग अपने हर एपिसोड में बताते हैं मैग्नेट फॉर्मूला क्या है और ये कैसे वर्क करता है। मैग्नेट स्ट्रेटजी को हम लोग अपने सेल्स में लगाएंगे। यहाँ पर अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे कि एक मैग्नेट करता है। एक मैग्नेट जब भी किसी लोहे को देखता है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। सेम चीज हमें यहाँ पर करना पड़ेगा अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। सबसे पहले आप लोग एक हॉट एयर बैलून लेंगे। ये हॉट एयर बैलून करीब 5,000 से 10,000 के बीच में आ जाएगा।
वो एक बहुत बड़ा आइसक्रीम का बैलून होगा जिसको आप आइसक्रीम ट्रॉली से बांध करके ऊपर लटका देंगे। लोग उसको दूर से देखेंगे और दूर से देख करके वो आपके पास आएंगे, जहाँ पे उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी आएगी कि ये क्या चीज है, खासकर बच्चों को। फिर धीरे धीरे सिर्फ बैलून को देखने के लिए लोग आपके पास आना शुरू करेंगे और उनको वहां पे आपकी आइसक्रीम ट्रॉली दिखेगी और आइसक्रीम ट्रॉली को देख करके उनके दिमाग में आइसक्रीम फीड हो जाएगा। इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज कर लीजिए कि आपने किसी को बोला कि बिल्ली के बारे में मत सोचो, तो सडनली उसके दिमाग में आएगी बिल्ली। सेम चीज अगर आपने अपने कस्टमर को दूर से अट्रैक्ट करके अपने पास बुला लिया और उनको आइसक्रीम दिखती है, अगर उनको आइसक्रीम खाने का मन नहीं भी होगा तो उनके दिमाग में आएगी आइसक्रीम और उनको आइसक्रीम खाने का मन करेगा। इससे आपके सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। अब हम लोग मैग्नेट फार्मूला के प्रॉब्लम को समझेंगे। अगर आपकी सेल्स दूसरों से ज्यादा होने लगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपके आइडिया को बाकी आइसक्रीम वाले भी कॉपी करने लगे, तो यहाँ पर आप फिर से सैचुरेटेड मार्केट में फंस जाएंगे। इस चीज से बचने के लिए आपको यहाँ पर एक एंट्री बैरियर क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो बाकियों के लिए इतना आसान ना हो। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग इस जगह पे एक एंट्री बैरियर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंट्री बैरियर को समझने के लिए हम लोग फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में हम लोग उस समय से 8 महीने पहले के टाइम पे पहुंच गए, जिस टाइम पे आपने ये बिजनेस शुरू किया था। उस टाइम पर आपने आइसक्रीम के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, आप अलग अलग आइसक्रीम की वैरायटी बनाना सीखे अलग अलग टेस्ट और फ्लेवर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर आपने उसी कंपनीज के कुछ आइसक्रीम को आपस में मिक्स कर कर एक नया फ्लेवर बनाया जो आपके अलावा बाकी किसी और ट्रॉली वाले के पास नहीं मिलेगा, या फिर आपने सैंडविच आइसक्रीम जैसा ही कोई एक अलग प्रोडक्ट बना दिया जिसमें आपने ब्रेड, जैम, फ्रूट और आइसक्रीम को एक सैंडविच में बदलकर एक नया डिजर्ट ही बना डाला। और भी ऐसे बहुत सारी अलग अलग रेसिपीज हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा और आप दूसरे आइसक्रीम वालों से अलग हो जाएंगे। और अब आते हैं वापस से करंट टाइम पर और क्रिएट करते हैं एंट्री बैरियर। अब जब आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो गया, अब आप उन लोगों को कंपनी के ब्रांडेड आइसक्रीम के साथ अपनी हैंडमेड आइसक्रीम भी दे रहे हैं। आपको इस जगह पे बहुत ज्यादा एक चीज पे फोकस करना होगा, हाइजीन पर, क्योंकि अगर आपने अच्छे से ग्लव्स पहनकर सब कुछ साफ सुथरे रख करके ये चीज नहीं किया तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब आपने यहाँ पर अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर लिया, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर लिया और आपकी बनाई हुई आइसक्रीम लोगों को पसंद भी आने लगी। यहाँ से अब आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। चलिए अब हम लोग आपके बिजनेस की सेटिंग को समझते हैं। आपके बिजनेस के 6 से 12 महीने हो चुके हैं और अब आपकी एक अच्छी इनकम होने लगी है। अब टाइम आ चुका है एक्चुअल बिजनेस करने का। आप एक सिंपल सा वेबसाइट बनाएंगे जिसका खर्चा साल का 3 से 4 हजार रुपए आएगा। आपने अपने वेबसाइट पर अपने आइसक्रीम की वैरायटीज को डिस्क्राइब किया, इससे आपका ब्रांड फॉर एग्जांपल स्पेशल डेजर्ट पार्लर पॉपुलर बनेगा और वेबसाइट प्रोफेशनल लगने लगेगी। इसमें आप ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकते हैं। आपने किसी को हायर किया जो आसपास के एरिया में होम डिलीवरी करता है। होम डिलीवरी से चीप बेनिफिट होगा कि हो सकता है कि आपके कस्टमर हर वक्त आपके पास ना आ पाए, तो इससे आप उनके घर जाकर वहां सेल कर पाएंगे। अब हम लोग फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल को देखेंगे। अब आपको इस बिजनेस में 1 से 2 साल हो चुके हैं, आपके पास एक अच्छा ब्रांड है, आपका नाम बन रहा है यहाँ स्पेशल डेजर्ट पार्लर, आपके पास वेबसाइट है और लोगों को आपकी बनाई हुई आइसक्रीम पसंद आ रही है। अब आप प्रोफेशनल हो चुके हैं, अब आप यहाँ पर अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं किसी को। शुरू में आपको कुछ लोगों को बहुत लो कॉस्ट में अपनी फ्रेंचाइजी को देना होगा ताकि आपका ब्रांड और भी ज्यादा पॉपुलर हो। उसके बाद आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से लोगों से फ्रेंचाइजी का कॉस्ट ले सकते हैं। लोग यहाँ पर खुद आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहेंगे अपने प्रॉफिट के लिए। अगर आपने किसी को फ्रेंचाइजी दे दी, सपोज कर लेते हैं 500 से 1000 रुपए पर डे के हिसाब से, अब फ्रेंचाइजी देने के लिए ये स्किल्स जो आपके पास है वो उनको सिखानी पड़ेगी। इसके लिए आप उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। अब अगर इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहाँ पर आप अकेले इनकम कर रहे थे, अब आप 500 रुपए दिन के हिसाब से फ्रेंचाइजी स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास 10 फ्रेंचाइजी हो तो करीब 5000 रुपए एक दिन में सिर्फ फ्रेंचाइजी से, यानी कि एक महीने में 1.5 लाख रुपए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स और ट्रैप्स को देखेंगे। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम ट्रॉली ना लगाकर शॉप खोल ले तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि आपको इनिशियल लेवल पर ही बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, जैसे कि शॉप का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ्रीजर की कॉस्ट और
सैलरी लोगों को हायर करने के लिए आइसक्रीम्स आपको हमेशा कूल रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आ सकता है। और शॉप को लेने पर आपको लोगों को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के शॉप में बहुत काम होते हैं जिसको अकेले मैनेज करना आसान नहीं होगा। बिजनेस आपको वही स्टार्ट करनी चाहिए जिसमें आपकी इनकम पहले हो, यानी प्रॉफिट पहले हो और इन्वेस्टमेंट बाद में। इसी को कहते हैं एक अच्छा बिजनेस आइडिया। अब हम लोग यहाँ से कंक्लूजन को देखेंगे। इस पूरे एपिसोड को देख करके इस बिजनेस आइडिया को अगर एनालाइज करें और इस बिजनेस के बेस को आइडेंटिफाई करें तो वो है स्किल्स। सिर्फ स्किल्स की वजह से ही ये बिजनेस चलेगा। इसमें स्किल्स है आपके हैंडमेड आइसक्रीम, यानी कि अगर आपके पास एक अच्छा स्किल्स होगा तो ही आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि ये बिजनेस आप कर पाएंगे तो इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यानी अगर आपका पैशन कुकिंग, बेकिंग या फिर कोई ऐसी नई डिश बनाना है तो ही इस बिजनेस को करिएगा। अगर आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका जानना चाहते हैं तो आप लोग एपिसोड 4 जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पूरा एपिसोड आइसक्रीम बिजनेस का एक प्रोटोटाइप है, यानी इसके पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस छुपा है। इसको कवर करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। इस वीडियो को आप लोगों को अपने जानने वाले, जैसे कि कोई फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कलीग जिसका शौक कुकिंग, बेकिंग, इस तरीके की नई चीज बनाना हो तो उसे जरूर शेयर करिए, ताकि वो अपने पैशन को फॉलो करके एक बड़ा बिजनेस जल्द से जल्द सेट कर पाए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।